कटिहार के बलरामपुर विधानसभा से माले पार्टी से महागठबंधन प्रत्याशी कॉमरेड महबूब आलम की बड़ी जीत। उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी वरुण झा को एक बड़े अंतर से हराकर लगातार दूसरी बार बलरामपुर सीट पर अपना कब्जा जमाया है। मैं जीत का श्रेय बारसोई बलरामपुर की जनता को देना चाहता हूं और साथ साथ इस जीत के लिए और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक फांसीवादी राजनीति के खात्मा के लिए जो महागठबंधन का एक बड़ी मजबूत राजनीति यहां बनी तो हमारे जो सहयोगी राजनीतिक ताकतें थी जो कांग्रेस आरजेडी सबसे मुख्य रूप से और आरजेडी कांग्रेस के तमाम साथियों ने पूरी ईमानदारी पूरी मुस्तैदी के साथ और कठोर परिश्रम के साथ चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया और इस महान जीत का भागीदार बना। मैं उन लोगों को भी तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आपने देखा जिस तरह से गरीबों का नेता महबूब आलम की आवाज़ उठ रही है, पिछले 5 साल में जो हम लोगों ने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, खेत मजदूरों के लिए, टेम्पू चालों के लिए, फटफटिया चालकों के लिए, रसोईया के लिए, आशाओं के लिए और आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए, जिस तरह से हम लोगों ने किसानों के लिए, हम लोगों ने सड़क से विधानसभा तक आवाज़ बुलंद की और उसी का नतीजा के रूप में इस जीत को आप देख सकते हैं। साथ साथ जो मुसलमानों के गर्दन पर CAA NRC NPR की तलवार जो लटका दी है उसके खिलाफ कोरोना प्रभावित इस काल में जो प्रवासी मजदूरों की त्रासदी हुई, अंतहीन पीड़ा, इन तमाम के आक्रोश का बलरामपुर की जनता ने जवाब दिया और ये संदेश पूरा बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। एक बार फिर मैं बलरामपुर की जनता के साथ, किसान मजदूर नौजवान भाइयों को के साथ, हमारे गठबंधन के तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आपके जो मीडिया कर्मियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस काल में आप लोगों ने जिस तरह से मेरा बाइट लेके हमारी बातों को जनता तक पहुँचाने के लिए जो काम आप लोगों ने किया, मैं तहे दिल से आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आने वाला दिन में भी ये जो जनता का बहुत बड़ा बोझ मेरे कंधे पर है, जनता का भरोसा, जनता का विश्वास, जनता ने जो विश्वास मुझ पर किया है, इस विश्वास को बरकरार रखने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना होगा मैं जाऊंगा, लेकिन अपनी जनता को मायूस नहीं होने दूंगा। अपने गठबंधन के साथियों को किसी भी तरह से निराश नहीं होने दूंगा।
इस संघर्ष को और मैं तेज करूंगा। और सांप्रदायिक फांसीवादियों का मैंने कहा था कि बलरामपुर बारसोई सांप्रदायिक फांसीवादी राजनीतियों का राजनीति का कब्रिस्तान बनेगा, और आप देख चुके हैं राजनीतिक रूप से ये तमाम लोग पहले ही भाग खड़े हुए थे और आज भी ये लोग भाग खड़े हुए हैं। वो आखिरी परिणति वो लोग देखने की उनकी हिम्मत नहीं है, और हम तो लड़ने वाले हैं। हमने कहा था कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, लेकिन अमन के लिए अगर जंग सही, अगर जंग की आवश्यकता हो, जंग जरूरी है तो जंग ही सही। वो जंग आज कामयाबी की मंजिल तक पहुंचती हुई दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया।